बाकी आसो हमने जो दावा किया अल्लाह के फजल व करम से, मुकदमा पेश किया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ये किसी से आबी से अपने तई कोई जानवर कहना, चिड़िया होने की ख्वाहिश करना वगैरह वगैरह, ये साबित नहीं है। अभी तक कोई सही असर हमारे सामने नहीं है। जिस दिन हमारे पास सामने सब असर आ गया लर्रास वलैन, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें खुशी होगी अल्लाह के फजल व करम से, बहुत खुशी होगी कि हमारी इसलाह हुई है कि हम सहाबा के बारे में अपना नजरिया बदलेंगे। हम फिर भी कहते हैं अगर कोई सहाबी से बिल फर्ज वल महाल अला सबील तनज़ुल ये साबित हो जाए कि उन्होंने अपने तई चिड़िया कहा, उन्होंने अपने तई दरख्त कहा, इससे किसी के कुत्ता कहने का जवाब बाहर सूरत नहीं आ सकता। मसला ये है, कोई ये कहे कि देखो जी गैर जिनस होने की जब तमन्ना करे उसमें कुत्ता भी आ जाता है, ये एक सहाबा के बारे में मामला करता है। हमें सोच लेना चाहिए कि हम सहाबा के बारे में क्या कह रहे हैं। किसी सहाबी ने अपने तई ये नहीं कहा कि मैं कुत्ता होता, जब सहाबा इस तरह की बात नहीं करते, यानी किसी ज़ईफ़ रवायत में भी अभी तक तो कोई मौजूद झूठी में भी नहीं है जी, अस्तगफिरुल्लाह याज बिल्ला। हाँ, वो जो रवायात अब बकर सिद्दीक़ के हवाले से पेश की, एक चिड़िया का जिक्र था कि काश में चिड़िया की मानद होता, दुम्बे का जिक्र, हाँ जी दुम्बे का जिक्र है, वो तो झूठी रवायतें हैं, साबित नहीं है। जब दुम्बे होने का जिक्र नहीं तो कुत्ते का कहाँ से मिलेगा, और उस दुम्बे वाली मौजू और झूठी जो रवायत है उस बना पे ननोती साहब का कुत्ते होने का दावा कहाँ साबित हो जाएगा। या अगर कोई उनके दिफा में ये रवायत पेश करता है और कहता है कि अब क्या हुआ जी, ननोती साहब ने अगर ये कहा, वो बकर सिद्दीक ने भी तो ये कहा था। हम बार बार ये कहते हैं कि सहाबा का मामला है और इसमें बड़ी हसासियत है। मौलाना गुमन साहब माशाल्लाह सजीदा आलम हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए। हमने बार बार कहा कि वो इस पर गौर करें और रजू करें, इसी फिक्र नज़रिए के साथ गुलूब वाला जो ननोती साहब से मंसूब है इसके साथ वो कब्र में ना जाएं, बल्कि अपना मामला क्लियर करें। दूसरा यह है कि अगर खुद समझ से वो कासिर हैं तो उलमा-ए-इल्म से मुशावरत भी कर, हमने ये बात कही थी, उलमा से मुशावरत कर लेने में, ये बात कर लेने में क्या हर्ज है, वो उनको अच्छी राय देंगे ना कि आपने ये बात सही नहीं कही है, तो आप अपनी बात से रजू करें। बहरहाल हिशाम बिन हसन अल हसन अनबी बकर सिद्दीक ये रवायत सिलसिला जो है ये ज़ईफ़ है, सही नहीं है। तो बाकी अगर किसी के पास कोई सही असर मौजूद है तो पेश कर दे इंशाल्लाह, या बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के हवाले से कोई और असर है तो हमें पेश करें ताकि हम उसका जवाब दें। हम तो इस लिए तैयार हैं और हमें खुशी भी होती है, ख़ास करके जब आसार सहाबा और हदीस पेश करता है तो ये समझें कि हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि ये हमारा मैदान है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हमारी दावत भी यही है अल्लाह के फजल व करम से। तो हमारा किसी का झगड़ा नहीं है, या किसी को मतलब मतून करना हमारा मकसूद नहीं है, किसी की हानत नहीं है मकसूद। हमने तो बताया, देखो ननोती साहब ने इस तरह की बात की, बात गलत है। हमें जवाब में कहा, देखे जी आपके बुजुर्ग मीर साहब ने ये बात की, हमने कहा उन्होंने गलत की है, सीधी सी बात है, इसमें कौन सी है, हमने कौन से फिर आसार सहाबा उनके दिफा में पेश किया है या उनकी बात को छुपाया। गलती गलती होती है, इंसान वो मासूम नहीं थे ना, गलती कर सकते थे, गलती का दिफा करना ये जुर्म होता है हमारे मुताबिक। तो जब इंसान को ये पता हो ये गलती है, उसका दिफा करना जुर्म होता है। उनकी गलती है, हमने उनकी गलती को गलती तस्लीम कर लिया, ना कि उनकी गलती का दिफा किया। ये फ़र्क है हमारे और हमारे दूसरे भाइयों में। दूसरा जिस राव साहब आप फरमा रहे थे, वो भाई सख्ती भी करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह आप हमें सख्त नहीं पाएंगे, इंशाल्लाह कह दें कोई बात नहीं है, हमारे रुतबे में मकाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह के यहाँ जो हमारा मकाम है वही है, और अल्लाह के यहाँ अगर हमारा सिलसिला अच्छा हुआ, अल्लाह के बंदों के दिलों में भी इंशाल्लाह हमारे बारे में मोहब्बत होगी। बाकी लोगों के ताने मानों से घबराना या उनमें अपने आप को उलझा देना या रंजीदा दिल हो जाना, ये नहीं है हमारे अंदर इंशाल्लाह। रंजीदा हमारी दावत है, मैंने बताया अव्वल दिन आप साहब ने ये बात बयान कर दी थी, हम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ते हैं, बस सीधी सी बात है। हम नबी पाक सल्लम के दिफा सहाबा के दिफा में हमने बात करनी है। हाँ, जो बात सहाबा से सही सनद से साबित है अल्लाह रसूल, वो मुहद्दिसीन फैसला करेंगे कि ये आसार सहाबा सही हैं या नहीं है, उनके उसूलों के मुताबिक उनकी परख हो जाएगी और उनके जो जाबते हैं उन मुताबिक उनको देखा जाएगा। बाकी ठीक है, कोई ऐसी वैसी राय हमारे मुतलिक रखता है उसको हक है, हम ये नहीं कहते कि हमारे मुतलिक ऐसी राय ना रखें, हमारे बारे सख्ती ना करें, हमें बुरा ना कहें, इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं, यानी लफ्ज इस्तेमाल करते रहते हैं। बहरहाल एक बात लंबी हो रही है, माजरत के साथ जी आप सब आगे चलते हैं।